हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हुबली डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई सी एन डब्ल्यू के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर SWR यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो हुबली डिवीज़न आते हैं उसके अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए था और लेवल 6 LDC 25% के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 16 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था, जिसके लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें अगर प्रश्न की बात करें तो टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एक्सेप्ट और गिव ए डाउरी इज प्रोहिबिटेड, यानी रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत दहेज लेना या देना प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूल 13A के तहत किसी भी रेल कर्मचारी को दहेज लेना या देना प्रतिबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पीरियड आफ्टर विच इलेक्ट्रॉनिक बेट ब्रिज नीड टू बी कैलिब्रेटेड एंड सर्टिफाइड बाई वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट, यानी नाप एवं तौल विभाग द्वारा प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक तौल सेतुओं को किसके द्वारा प्रमाणित तथा कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद उसकी अवधि क्या है। यानी इसका सही उत्तर होगा 12 मंथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसना बोगी एक्सेप्ट 22 HS इज, यानी 22 HS के अलावा कैसना बोगी की स्नबर स्प्रिंग की सामान्य मुक्त ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि जितने भी कैसनब होते हैं हमारे बोगी उसके स्नबर स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा गया है 22 HS को छोड़कर। तो इसका सही उत्तर होगा 294 mm, जो कि स्नबर स्प्रिंग का फ्री हाइट होते हैं। वहीं अगर बात करें 22 HS का कितना होता है तो 22 HS के केस में यह 293 mm का फ्री हाइट होता है स्नबर स्प्रिंग का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड, यानी एयर ब्रेक अनुरक्षण एवं निरक्षण के अनुदेश पर किस प्रकार का RDSO तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम जो कि गुड्स में प्रयोग किया जाता है उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा G97, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जिसके अंतर्गत फ्रेट स्टॉक से रिलेटेड जो भी एयर ब्रेक सिस्टम की समस्याएं वगैरह होती है वो G97 के अंतर्गत देखा जाता है। वहीं इस यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो G81 में CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग जो गुड्स में प्रयोग किए जाते हैं उसके रख रखाव से देखा जाता है, जबकि 73 की बात करें तो इसमें बॉब आयरन का जो भी समस्याएं आती है उसको देखा जाता है, जबकि 71 की बात करें तो यह होता है फॉस्फोरिक एसिड टैंक वैगन जो आते हैं उसके रिलेटेड जो भी हमारे समस्याएं वगैरह आते हैं वो G71 में देखा जाता है। यहाँ पर हमसे एयर ब्रेक से पूछा गया था तो एयर ब्रेक फ्रेट स्टॉक का G97 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन बियर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ प्रेशर इन BP इज, यानी एयर ब्रेक प्रणाली में BP में वायु दाब गिरने की दर डैश होने पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड। इस यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर होगा, जिसे हम इनसेंसिविटी टेस्ट के नाम से भी
सीटीवीटी टेस्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, यानी 0.3 केजी का प्रेशर अगर 60 सेकंड तक गिराते हैं तो हमारा डीबी सेंस नहीं करने चाहिए और ब्रेक नहीं लगने चाहिए। इससे हमारा डीबी सही कंडीशन में कार्य कर रहा इसकी पुष्टि हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच साझेदारी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा यूजर इंटरफेस, यानी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कंडमिंग साइज ऑफ साइड बियर बियरिंग प्लेट इज, यानी साइड बियरिंग बियर बियरिंग प्लेट जो कि ICF कोच में प्रयोग किया जाता है उसकी कंडमिंग लिमिट पूछा गया है। यह जो है वो ICF कोच में प्रयोग किए जाते हैं साइड बियर के रूप में, जिसका अगर बात करें कंडमिंग लिमिट पूछा गया है तो ये 8.50 mm हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं न्यू अगर बात करें न्यू डायमेंशंस की इसकी, तो यह 10 mm इसका न्यू डायमीटर डायमेंशन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द हाइट ऑफ रूफ ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचों का ऊपरी छत की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 4039 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर इसके अलावा अगर बात करें कि लेंथ ओवर बॉडी LHB कोच का कितना होता है, लेंथ ओवर बॉडी तो यह होता है 23,540, यानी 2350 540। वहीं अगर बात करें लेंथ ओवर कपलर जो CBC लगे होते हैं, वहां से दूसरे एंड के CBC तक की डिस्टेंस अगर बात करें तो यह टोटल 24,000 mm होता है। वहीं अगर विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ LHB कोच की यह होता है 3240, यानी 3240 mm होता है। यहाँ पर हमसे सिर्फ रूफ की हाइट पूछा था, तो यह 4039 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDTS, यानी CDTS का विस्तार रूप क्या है। तो कंट्रोल डिचार्ज टॉयलेट सिस्टम इसका यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनब बोगी व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज, यानी कैसनब बोगी का अनुरक्षण एवं निरीक्षण अनुदेश पर किस प्रकार का RDSO तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि हमारा जो कैसनब बोगी होते हैं गुड्स में, उसके मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो भी पैम्पलेट RDSO यूज करते हैं वो कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा G95, यानी G95 में हमारा जो गुड्स में कैसनब बोगी प्रयोग किए जाते हैं उसके रख रखाव से रिलेटेड इसी के अंतर्गत देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें G97 की, तो यह हमारा फ्रेट से जो भी रिलेटेड एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं उसकी समस्याएं को G97 के अंतर्गत देखा जाता है। वहीं अगर बात करें G86 की, तो इसमें हमारा BTPGLN जो होता है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसमें हमारा बोलते हैं, उसके रिलेटेड जो भी इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस होते हैं उसको G86 के अंतर्गत देखा जाता है। जबकि G90 की बात करें तो इसमें BTPN के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड देखा जाता है। यहाँ पर हमारा सीधे बॉक्सिंग कैसनब बोगी पूछा गया है, तो G95 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोचों की लेंथ ओवर बॉडी की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ बॉडी टू बॉडी पूछा गया है, तो सीधा सीधा आंसर हम 23,540 mm लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे पूछा गया था लेंथ ओवर कपलर, तो लेंथ ओवर कपलर हमारा 24,000 mm हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है कि फोर्ड टेस्टिंग C3 और KE टाइप DB आफ्टर रिलीजिंग द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम फ्रॉम मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर फ्रॉम 3.8 ± 0.1 kg per cm² टू
0.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज यानी ब्रेक सिलेंडर रिलीज करने के बाद C3W या KE टाइप DB के परीक्षण के लिए जो मैक्सिमम प्रेशर होता है 3.8 जिसको अगर 0.4 तक लाया जाता है तो उसमें कितना समय लगता है। इसमें सीधा सीधा इसमें प्रश्न को घुमाया गया है, इसमें सीधा सीधा इसका रिलीजिंग टाइम पूछा गया है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर आप 15 से 20 सेकेंड लगाए जो कि 3.8 से 0.4 केजी तक आने में समय लगता है यानी ब्रेक रिलीजिंग टाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसनब 22 HS बोगी यानी कैसनब 22 HS बोगी की स्नबर स्प्रिंग की फ्री हाइट पूछा गया है, तो ये इसका सही उत्तर 293 mm हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर बात करें कि 22 HS को छोड़कर कैसनब बोगी जो NLB और NLC वगैरह प्रयोग किए जाते हैं उसमें इसका 294 mm होता है जो कि HS को छोड़कर होता है, बाकी अगर HS की 293 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्स एंड वैगन्स फिटेड विद कैसनब बोगी एंड ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज यानी कैसनब लगाए गए बॉक्स एंड बोगियों की अनुरक्षण एवं निरीक्षण के लिए RDSO द्वारा अनुदेशित किस प्रकार के तकनीकी पैम्पलेट्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है बॉक्स एंड वैगन्स के जो कि कैसनब बोगी से फिटेड होते हैं यानी बॉक्स एंड वैगन का हमारा मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस के रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर G70 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं बात करें G90 की तो G90 में हमारा BTPN से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस समस्या आती है उसको देखा जाता है, जबकि G97 में हमारा ईयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेट स्टॉक, जबकि WT77 की अंतर्गत बात करिए तो हमारा 20.3 टन का रोलर बियरिंग एक्सल बॉक्स जो लगे होते हैं बैगन्स में उसके मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस को देखा जाता है WT77 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है बीच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन DB इज आइसोलेटेड यानी जब DB आइसोलेट होता है तब कौन से उपकरण चार्ज नहीं किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा CR और ब्रेक सिलेंडर यानी कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवालिटी एंड टेपर्स ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशंस आर नीडेड यानी जर्नल की ओवालिटी तथा टेपर्स के डायमीटर्स मापने के लिए किन स्थानों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 लोकेशंस बोथ एंड वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सिस यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो GM's पावर्स यानी जो जनरल मैनेजर जोनल रेलवे पर होता है उसके पावर ऑफ परचेज ऑफ इंपोर्टेड स्टोर्स इज यानी आयात भंडार क्रय के लिए महाप्रबंधक की शक्ति क्या होती है यानी जनरल मैनेजर का यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 50 करोड़ यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो POH ऑफ ब्रॉड गेज ब्रेक बान इच यानी ब्रॉड गेज ब्रेक बान का POH की अवधि क्या होती है, तो इसका सही उत्तर 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो न्यू डायमीटर्स फॉर पिंस फॉर 16.25 टन लोड बियरिंग कैपेसिटी इक्वलाइजिंग स्टे इज यानी 16.25 टन भार वहन क्षमता वाले इक्वलाइजिंग स्टे की पिन का डाया नया व्यास क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 31 + 0.5 - 0.2 mm यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है ऑल द हैंगर्स शुड बी टेस्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ यानी सभी हैंगरों का परीक्षण डैश टेंसाइल लोड पर किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा 8 टन पर किया जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोच में उपयोगित रोलर बियरिंग का प्रकार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग, जिसे सीटीआरबी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर टेस्टिंग डीवी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग सीआर फ्रॉम 4.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, तो इस यानी 4.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सीआर चार्ज करने के लिए आवश्यक डीवी परीक्षण समय कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 185 प्लस माइनस 25 सेकेंड, यानी 185 प्लस माइनस 25 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनसाइड डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजेंटल बियरिंग आर्म्स ऑफ बीएसएस हैंगर, यानी बीएसएस हैंगर की क्षैतिज धारिका वाली भुजाओं के बीच अंतर्वर्ती दूरी डैश होती है। इसका सही उत्तर होगा 384 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फॉर टेस्टिंग C3WDV द AR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 टू 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, यानी C3WDV के जो हमारा होता है परीक्षण हेतु 0. से लेकर 4.8 तक का प्रेशर AR के चार्जिंग टाइम कितना होता है। तो AR का चार्जिंग टाइम इसके अंतर्गत 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में कितने प्रकार के शॉक एब्जर्वर प्रयोग किए जाते हैं। तो टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है हमारा यो डैम्पर जो बॉगी और बॉडी के बीच कनेक्ट होते हैं, चौथा होता है हमारा लैटरल डैम्पर, यानी टोटल 4 टाइप्स के प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रॉड गेज ट्रैक गेज इज, यानी बड़ी लाइनों के रेल पथ का गेज कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1676 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन इन कोचिंग स्टॉक व्हाट टाइप ऑफ बुशेज टू बी यूज्ड फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट्स, यानी कोचिंग स्टॉक में इंडो जर्मन के संशोधन के बाद ब्रेक गियर के घटकों के लिए कौन से प्रकार के बुशों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नाइलॉन 66, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन बोगी माउंटेड पैसेंजर कोच इज, यानी बोगी रोड पैसेंजर कोच में इस्तेमाल किए जाने वाले डट कलेक्टर का टाइप्स पूछा गया है। तो कोचिंग के केस में यह टाइप्स टू वे टाइप्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जो कि पैसेंजर कोच में प्रयोग किए जाते हैं वो डट कलेक्टर का टू वे टाइप होते हैं, जबकि अगर बात करें गुड्स के केस में यानी मालगाड़ी केस में तो यह 3-way टाइप्स के प्रयोग किए जाते हैं डट कलेक्टर्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉर टेस्टिंग C3W और KE Type DV आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम फ्रॉम 0 टू 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद C3W या KE प्रकार के डीवी का परीक्षण के लिए 0 से जो 3.6 का प्रेशर बनता है उसके लिए टाइम सिलेंडर भरने में कितना समय लगता है। तो सीधे सीधे यहाँ पर एप्लीकेशन टाइम पूछा गया है जो कि कोचिंग के केस में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 to 5 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक्सल लोड ऑफ BTPN टैंक वैगन इज, यानी BTPN टैंक वैगन का एक्सल लोड कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 20.32 टन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, RS-17 रजिस्टर इज फॉर, यानी RS-17 डैश के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो इसका सही उत्तर होगा फिट मेमो देने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें RS-16 की, तो यह सिक मेमो देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्ट्रोक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट इज डैश परसेंट, यानी प्रारंभिक पॉइंट पर डैश परसेंट कोचिंग स्ट्रोक की ब्रेक पावर होती है, तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर यह 100% होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें इन रूट में, तो इन रूट में मिनिमम 90% होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी यानी बीपीसी का विस्तार रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर मॉनिटर को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF और RCF कोच इज, यानी ICF और RCF कोच के नए पहिए का व्यास कितना होता है? तो इसका सही उत्तर 915 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कंडम व्हील डायमीटर्स की ICF और RCF का, तो वह होता है 825 mm। नेक्स्ट प्रश्न है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द, यानी यात्री आपातकालीन अलार्म सिग्नल डिवाइस पर लगी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा इंड वाल्व के कोच पर लगे होते हैं अलार्म सिग्नल डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर मिस CBC, यानी CBC का सबसे कमजोर लिंक कौन सा होता है? तो नकल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर फोर ब्लेड ट्रोली इन सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज व्हाइल टर्निंग द व्हील, यानी ब्रॉड गेज के एक ही एक्सल में चौपहिया जो वाहन ICF के लिए पहिया से ट्रेड व्यास में अनुवता पहिया जो घुमाते उस समय उसका व्हील जो डिफरेंस होते हैं डायमीटर्स के, वो कितना मैक्सिमम होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 0.5 mm, जो कि यहाँ पर सेम एक्सल्स पर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकेंड क्लास स्लीपर थ्री टीयर्स इज, यानी द्वितीय श्रेणी के स्लीपर थ्री टीयर में कुल बर्थ की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर 72 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, द ELB डिवाइस इंडिकेटर प्लेट्स सोच, यानी एम्प्टी लोड बॉक्स जो होते हैं वैगन्स में जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें, यस में लेफ्ट और राइट में दो कलर का कॉम्बिनेशन रहता है, इसमें येल्लो हमारा एम्प्टी कलर को शो करता है जबकि हमारा ब्लैक लोडेड कंडीशन को शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कटअप एंगल कॉक कैन बी फिटेड विथ, एंड डैश के साथ एंगल कॉक फिट होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा फिट पाइप एंड ब्रेक पाइप बोथ, ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेंस इज, यानी कोचिंग ट्रेनों में ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है, कलर ऑफ ब्रेक पाइप, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, ए कंप्यूटर मदरबोर्ड लगे होते हैं, CPU भी लगे होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होते हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन ग्रॉस लोड कंडीशन द बोगी फ्रेम ब्लस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन AC GS कोच इज, यानी ग्रॉस लदान की स्थिति में गैर AC GS कोच की बोगी फ्रेम ब्लस्टर क्लियरेंस कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 74.3 mm,
जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी डेज ऑफ एच एल ए पी यानी हाफ लीव ऑन एवरेज पे इन अ ईयर कैन बी क्रेडिट टू एन एम्प्लॉय यानी एक कर्मचारी को खाते में एक वर्ष में कितने अर्ध औसत वेतन छुट्टी जमा किया जा सकता है। तो यहाँ पर एच एल ए पी के बारे में पूछा गया जो मैक्सिमम लिमिट पर ईयर 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड एग्जामिनेशन यानी प्रीमियम एंड टू एंड परीक्षण की वैधता कितनी होती है। तो यह 12+3 डेज का होता है जिसमें यानी ऑप्शन नंबर यहां सी सही उत्तर होगा। वहीं ब्रेक पावर्स की बात करें तो 95% मिनिमम ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ग्रीन कलर का पीपीसी इशू किया जाता है प्रीमियम के केस में। और जिसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में 75 मैन पर आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रीमियम एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन टीयर कंडीशन द बोगी फ्रेम ब्लस्टर क्लियरेंस ऑफ नॉन एसी जीएस एसडीसी एससीएन कोच इज एंड टीयर स्थिति में गैर एसी जीएस एसडीसी एससीएन कोच की बोगी फ्रेम ब्लस्टर क्लियरेंस कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 40.5 mm यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ यानी डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है। तो यह एक प्रकार का प्रिंटर है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टैंडर्ड डायमीटर्स ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स एंड बैगन इज यानी बॉक्स एंड बैगन में ट्रेड पर व्हील का मानक व्यास कितना होता है। तो यह 1000 mm का होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा जो कि न्यू कंडीशन में होता है। अगर कंडम कंडीशन में बात करें तो इसकी डायमीटर 906 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास यानी आश्रित सहित कितने सदस्यों को सुविधा पास में शामिल किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 मेंबर्स यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ यानी चुंबकीय डिस्क का उदाहरण क्या है। तो यह सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली माउंट कनेक्टेड टू यानी सीधे रूप से फ्लेक्स बॉल कहाँ से जुड़े होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिक सिलेंडर से जुड़े होते हैं डायरेक्ट रूप से यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द बेसिक यूनिट्स ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर बी एंटर डाटा इज कॉल्ड यानी एक्सेल स्प्रेडशीट में जहां पर हम डाटा दर्ज करते हैं कि मूल इकाइयों को कहा जाता है सेल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पीरियड फॉर पीओएच फॉर अ कोच अटैच टू मेल और एक्सप्रेस ट्रेन यानी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़े कोच के पीओएच की अवधि क्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 मंथ यानी ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर होगा जो कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के कोच के केस में पीओएच अवधि पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लॉपी डिस्क इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो
येलो स्ट्रिप्स ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF इंडिकेट्स इज, यानी ICF बोगी कोच के अंतिम छोरों पर पीली पट्टियाँ क्या दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर होगा एंटी टेलीस्कोपिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स पैलेस थ्रू, यानी कोच में भार का स्थानांतरण डैश के माध्यम से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा साइड बीरर के माध्यम से, यहां ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन ट्विन पाइप सिस्टम द ऑक्सिलरी रिजर्वायर प्रेशर शुड बी, यानी जुड़वा पाइप प्रणाली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर का दाब कितना होता है? यानी सीधे सीधे बोला गया है ट्विन पाइप सिस्टम में ऑक्सिलरी ER की क्षमता पूछा गया है प्रेशर में, तो यह 6 kg/cm² का प्रेशर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस इज, यानी कई कंप्यूटर्स को प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस के शेयर करने के लिए जो सर्वर लगाए जाते हैं उस क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF और RCF कोचेज, यानी ICF और RCF के AC कोचों में कितनी आपातकालीन खिड़कियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 की संख्या में इमरजेंसी विंडो प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैस्नर बोगी इज, यानी कैस्नर बोगी के इलास्टोमेरिक पैड की साधारण मोटाई कितनी होती है? तो यह 46 mm होता है, जो कि नए कंडीशन में होते हैं। वहीं अगर कंडम कंडीशन में बात करें तो कंडम कंडीशन में EM पैड की थिकनेस 42 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय द गूगल, गूगल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्रोम ब्राउजर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये फीमेल रेलवे एम्प्लॉय सेल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी लीव फॉर, यानी एक महिला रेल कर्मचारी 10 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश पाने की हकदार होती है, तो यह 180 डेज हो जाएगा, जो कि पर चिल्ड्रेन के लिए होता है और 2 चिल्ड्रेन तक मैक्सिमम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ए मेल रेलवे सर्वेंट मे बी ग्रेंटेड पैटर्निटी लीव हैविंग डैश सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी एक पुरुष रेल कर्मचारी को डैश बच्चे होने पर पितृत्व अवकाश दिए जाते हैं, यानी यहाँ पर 2 की संख्या में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन अलाउ होते हैं, जो कि प्रत्येक पर 15 डेज का पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है रेलवे द्वारा, जिसका कंडीशन होता है कि जो डेट ऑफ जो बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन होते हैं उसके 6 मंथ के अंदर यह लेना अनिवार्य होता है, अदरवाइज यह छुट्टी लैप्स हो जाती है, और यह मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए लागू होते हैं, इसमें टोटल 15 का पर चिल्ड्रेन के केस में 15 दिन का छुट्टी पैटर्निटी लीव यानी PL प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इन ईयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक इन टू एंड गुड्स रेक द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर एग्जामिनेशन बिफोर, यानी ईयर ब्रेक खाली स्टॉक एंड टू एंड माल रेक अनलोडिंग के पश्चात खाली रेक को जांच के लिए पहला प्राथमिक दिया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा जो नेक्स्ट अनलोडिंग पॉइंट पर जाने से पहले इसका एग्जामिनेशन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन एम्प्टी लोड डिवाइस हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजिशन ऑफ एम्प्टी बैगस द रिजल्ट में बी, यानी यदि खाली बैगन्स की लदान स्थिति पर खाली लदान उपकरण हैंडल रखा जाता है तो परिणाम क्या होगा? यहाँ सीधा सीधा बोला गया है कि जो हमारा एम्प्टी लोड डिवाइस होता है उसके हैंडल को हम लोडेड पोजीशन में रखते हैं जबकि हमारा बैगन खाली स्थिति में है, उस कंडीशन में हमारा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आ जाएगी, क्योंकि हमारा पिस्टन स्ट्रोक ज़्यादा निकलेंगे और इसमें ब्रेकिंग पावर हमारा काफ़ी मजबूत हो जाएगा, जिससे हमारा
ब्रेक बाइंडिंग की समस्या बन सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बियर लिमिट ऑफ ड्रॉ हुक पिन होल इज, यानी ड्रॉ हुक पिन होल की घिसाई की सीमा कितनी होती है लिमिट, तो ये 3 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक ऑफ फिटेड विथ BMBC, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी BMBC के साथ लगे कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक के प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा के टाइप ब्रेक ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्स एंड बैगन्स, यानी बॉक्स एंड बैगन के हेड स्टॉक की लंबाई कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 97.84 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि लेंथ ओवर हेड स्टॉक यानी लेंथ ओवर बॉडी टू बॉडी पूछा गया है। वहीं अगर लेंथ ओवर कपलर पूछा जाता बॉक्सिंग के बैगन में के केस में, तो यह 10,713 mm होता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सल लोड ऑफ एसी कोच इज, यानी एसी कोच का एक्सल लोड कितना होता है, तो यह 16.25 टन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें नॉन एसी के केस में तो यह 13 टन इसका एक्सल कैपेसिटी होते हैं। यहां होगा व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर्स ऑफ बॉक्स एंड बैगन, इसका ऑलरेडी जिक्र हो चुका है 10,713 mm, जो कि लेंथ ओवर कपलर्स है। अगर लेंथ ओवर बॉडी पूछा जाएगा तो यह 97.84 mm, यानी 97.84 mm लेंथ ओवर बॉडी, जबकि लेंथ ओवर कपलर बॉक्सिंग के केस में 10,713 mm, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस, यानी एक कर्मचारी जो अपनी सेवा में कितने दिनों का LHAP जमा कर सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि LHAP यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे जो होता है, उसको कर्मचारी के द्वारा मैक्सिमम पूरे सर्विस में कितना जमा किया जा सकता है, तो इसकी संख्या LHAP की अनलिमिटेड होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोगी व्हील बेस ऑफ ICF और RCF ऑल क्वाइल बोगी फ्रेम आर्स, यानी ICF RCF के सभी क्वाइल बोगियों की बोगी पहिया जो हमारा बेस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 2896, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें LHB के केस में, तो LHB के केस में हमारा 2560 यानी 2560 mm होते हैं। वहीं अगर कैसनप बोगी यानी बैगन के केस में बात करें, तो यह होता है 2000 प्लस माइनस 5 mm। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक, यानी एयर टैंक की क्षमता कितनी होती है, तो एयर टैंक की क्षमता यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि यह गुड्स का है या कोचिंग का, क्योंकि यहाँ पर गुड्स में हमारा 100 लीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्रेक बान में हमारा जो BBZC वगैरह उसमें 75 लीटर के प्रयोग किए जाते हैं, बाकी कोचिंग के केस में यह 200 लीटर के होते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कोचिंग का है किसके, फिर भी अब अगर यहाँ पर हमारा ज़्यादातर प्रश्न कोचिंग से पूछे जा रहे हैं, इस प्रकार आप 200 लीटर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड नॉट टू बी वेरीफाइड, एंड निम्नलिखित में से किस मत को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ EOG यानी EOG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंड ऑन जेनरेशंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो इफ DV इज हैविंग लीकेज इन अ गुड्स ट्रेन, यानी मालगाड़ियों में यदि DV रिसाव होता हो, तो इसका क्या उत्तर हो सकता है, तो यह आइसोलेट DV करके आप बंद कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, द मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन द पिन एंड बुशेज इन आईसीएफ बोगी इज, यानी आईसीएफ बोगी के में पिन और बुशों के बीच अधिकतम ब्यासीय मुक्त जो क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 1.5 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द कोच, यानी कोच के ऑक्सिलरी रिजर्वायर के बारे में पूछा गया है, तो यह 200 लीटर के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप अटैच्ड टू पीईएफई, यानी जो हमारा पीईबी से जुड़े शाखा पाइप होते हैं उसका व्यास पूछा गया है, तो उसका सही उत्तर होगा 20 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप इन बिटवीन पीईएफई और पीईएसटी। पीईएफई का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब, जबकि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके बीच शाखा पाइप के बीच व्यास का पूछा गया है डायमीटर पाइप्स के, तो यह 10 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग कैप स्क्रू इज, जो हमारा कार्टेज टाइप प्रकार के रोलर बियरिंग कैप स्क्रू का टॉर्क वैल्यू पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 40 kgm, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड टू, यानी पूर्ण सेवा के जो फुल सर्विस एप्लीकेशन प्रयोग किए जाते हैं उस समय ब्रेक पाइप का प्रेशर डैश तक घट जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिमम 1.5 kg तक घटता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीईएसडी यानी पैसेंजर इमरजेंसी जो हमारा होता है इसका फुल फॉर्म होगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ एम्प्टी लोडेड जो डिवाइस हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन ऑफ एम्प्टी बैगन रिजल्ट में बी, तो इसका प्रश्न शायद रिपीट कर चुका है, इसका ऑप्शन नंबर बी ब्रेक बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेक व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय क्यूआरबी, यानी क्यूक रिलीज वाल्व होता है, विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, यानी जब क्यूआरबी द्वारा मैनुअल रूप से ब्रेक को रिलीज किया जाता है तो कौन सा दाब बाहर निकलता है, तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल रिजर्वायर जो होता है सीआर का प्रेशर वो बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन एयर ब्रेक कोच पीईएबी यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस इज कनेक्टेड टू, यानी एयर ब्रेक कोच में पीईएबी और पीईएसडी के साथ जुड़े होते हैं बीपी पाइप जुड़े होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एज पर रेलवे बोर्ड इन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ वैगन्स इन ओपन लाइन, यानी रेलवे बोर्ड के अनुसार खुली लाइन में वैगनों की अप्रभावित प्रतिशत कितनी होती है, तो यह होगा 2.50, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ प्रिविलेज पास, यानी प्रिविलेज पास जो दिए जाते हैं कर्मचारी को उसकी मैक्सिमम वैधता कितनी होती है, तो यह 5 मंथ का वैधता होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट यानी स्पार्ट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज यूज्ड इज, यानी कंप्यूटर के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कीबोर्ड, जो कि आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर्स एबॉर्ड और फॉरेन कंट्रीज, यानी अधिकारियों को विदेश या प्रदेश में अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड ही जो ग्रुप बी और ग्रुप ए के जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उसको फॉरेन कंट्री में स्टडी लीव के लिए सैंक्शन अथॉरिटी रेलवे बोर्ड ही होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द एम वन स्टैंड्स फॉर इन बॉक्सन एम वन, यानी बॉक्सन एम वन में एम वन का अर्थ होता है मॉडिफिकेशन वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो। साफ, वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न है, परमिसेबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर फोर व्हीलर ट्रॉली ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज बोगी वैगन इज, यानी बड़ी लाइन बोगी वैगन में धूरा जो चार पहिए वाला हमारा होते हैं उसके ट्रॉली में नवीनतम पहिया ट्रेड डायमीटर की अनुमति कितनी होती है। यहाँ पर हमको सेम एक्सल पूछा गया है तो यहाँ पर आप 0.5 mm के साथ जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गेट पास इज प्रिपेयर्ड इन डैश नंबर्स ऑफ कॉपीज, यानी गेट पास को डैश प्रतियों में तैयार किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दो कॉपीज में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन ईयर ब्रेक इन टू एंड ब्रेक रेक्स आफ्टर एग्जामिनेशन वेरिटी ऑफ बीपीसी रिमेन अप टू द, यानी ईयर ब्रेक एंड टू एंड रेक में बीपीसी की वैधता जांच के पश्चात डैश तक बनी रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा डेस्टिनेशन पॉइंट तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टियर वेट ऑफ द बॉक्सन वैगन इज, यानी बॉक्सन वैगन का खाली या टियर वजन कितना होता है? तो यह होगा 22.47 टन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई इज द एबीसी एनालिसिस इज इंपोर्टेंट, यानी एबीसी एनालिसिस क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर होगा फॉर इम्प्रूविंग सर्विस लेवल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द व्हील गेज मेजर्स, व्हील गेज डैश को मापता है, तो यह द डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेज ऑफ टू व्हील एक्सल्स ऑन सेम एक्सल, यानी सेम जो सेम एक्सल्स में जो दो चक्के लगे होते हैं उसके फ्लेंज के बीच दो डिस्टेंस होती है वह व्हील गेज के नाम से जाने जाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन, यानी कंट्रोल रिजर्वायर डैश पर लगा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए डीबी और ईआर के जो पाइप कनेक्टेड होते हैं वहीं पर यह कनेक्ट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोज ऑफिशियल्स होज मदर टंगो इज साउथ इंडियन लैंग्वेज कैन सिक्स एडमिशंस इन विच कोर्स, यानी जिन अधिकारी या कर्मचारी के मातृभाषा दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं वह किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रबोध भाषा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ कम्स अंडर विच रीजन, चंडीगढ़ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीजन बी, यानी क्षेत्र ख के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा कम्स अंडर डैश रीजन, गोवा डैश क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीजन सी, यानी रीजन ग के अंतर्गत, ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच कमिटी रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोपेगेशन ऑफ हिंदी इन अ पार्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स, किसी मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार से हुई प्रगति की समीक्षा कौन सी समिति करती है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी सलाहकार समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट आर ऑल द 9 आर्टिकल्स कवर्ड अंडर द पार्ट 8-7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग 7 में आने वाले सभी 9 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 342-351 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबोध पाठ्यक्रम यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रेस मार्क्स गिवेन टू अ नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉयज हु इज पर्टेनिंग इन हिंदी एसे एलोकुशंस एंड नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग्स कॉम्पिटिशंस यानी हिंदी निबंध वाक और टिप्पण और प्रारूप लेखन के प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने के लिए हिंदीतर भाषी प्रतिभागियों को दिए जाने वाला ग्रेस मार्क्स प्रतिशत क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, जितने भी आप मार्क्स पाएंगे उसके 10% ग्रीस मार्क्स तौर पर दिया जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ दियर मदर टंगो फॉर द होम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड यानी कर्मचारी की उस कोटि का नाम बताइए जो उसकी मातृभाषा के आधार पर उसे हिंदी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कैटेगरी ए के अंतर्गत जो भी आते हैं उसको हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा कैटेगरी ए के अंतर्गत आने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, हु चेयर द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973 यानी 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे ललित नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पूछा गया है कि दोज ऑफिशियल होद मदर टैंगुज इज हिंदी कैन सिक्स एडमिशन इन विच कोर्स यानी जिन अधिकारी कर्मचारी की मातृभाषा हिंदी है वो किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं? तो नॉन ऑफ द एबव होगा यानी ऑप्शन नंबर ए उसे हिंदी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है जो आते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत यानी ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।